प्रणाम पार्ट वन में हमने देखा है सब बेसिक प्रिंसिपल्स दैट चेन नीड टू इनहेरिट इट अगेन। आज लेके आए पार्ट टू क्योंकि हमें बहुत सारे सजेशंस मिले हैं। जब आप जीरा और राई का प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ जीरा और राई को अलग से रख दीजिए। कच्चा नमक यूज कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की चम्मच उस बर्तन में ना डाले हैं, कंटिन्यूसली उसे डाल के नहीं रखना है, हो सके तब तक पक्का नमक ही यूज करना है। अब ऑरेंज लाइम या मौसम में यूज़ कर रहे हो तो उसे बीचों बीच से नहीं सुधारना है, उसे थोड़ा सा ऊपर से सुधारना है। अगर आपको कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट सुधारने में टाइम है तो ध्यान रखें चक्कू उस फ्रूट या सब्जी के बाजू में ना रखें, ज़्यादा देर तक हमें नहीं रखना चाहिए। अगर आप दूध से पनीर बना रहे हो तो ध्यान रखना है सिट्रिक एसिड या फिर किसी भी तरीके का विनेगर यूज़ नहीं करना है, आप नींबू का प्रयोग कर सकते हो। तिथि के दिन आप एलम यानी कि फिटकरी का यूज़ भी कर सकते हो। अगर आपको मेरी तरह बार बार हाथ धोने की आदत है किचन में काम करते वक्त तो एक बर्तन में पानी ले लीजिए और पूरे दिन उसी में हाथ धोना है, इससे पानी के जीवों को हम अवदान दे सकते हैं। अगर आपके बनाए हुए खाने का कलर टेस्ट या स्मेल चेंज होता है तो उसे नहीं खाना चाहिए। जो आपने मिर्ची के लिए चम्मच यूज़ किए वो कभी भी कच्चे नमक में नहीं डालना चाहिए। कुकर का पानी या गर्म पानी हमें डायरेक्टली बेसिन में नहीं डालना चाहिए, ठंडे होने पे ही डालना है। कोई भी गर्म बर्तन को स्टैंड पे ही रखना है। इन बेसिक चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट में हम और बेसिक चीज़ लेंगे, प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।